गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हाँ जी सब लोग कैसे हो आप लोग हम स्टार्ट करते हैं अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जुलाई के ही करंट अफेयर्स को आगे कर दो हाँ जी तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग दिव्या गुड इवनिंग निखिल गुड इवनिंग अंजू सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे एक बार बता दो ऑडिबल एंड क्लियर है या नहीं चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्लियर है ऑडिबल है तो फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास इंडिया टू हैव 24 आईसीपी लैंड बॉर्डर्स बाय 2025 तो हमारे पास एक न्यूज़ है किसको लेकर हमारे पास इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को लेकर बेसिकली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनेंगी जिससे कहीं कही ना कहीं ट्रेड को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाएगा उसको ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा बेसिकली तो ये चीज़ याद रखिएगा सिंपल सा हमारे पास कंसेप्ट है इसमें कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही so, है ठीक है सो यहाँ पर सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भारत में पोर्ट्स को मैनेज करती है भारत में सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है जो इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें जो ट्रैफिक को हैंडल करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट याद रखना पोर्ट की जब भी बात हो तो याद रखना सबसे बड़ा पोर्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि कहा है हमारे पास मुंबई में याद रखिएगा भारत के सबसे बड़े पोर्ट में से और फेमस पोर्ट में से एक है <coughs> पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दैट इज इन मुंबई तो इसका नाम याद रखिएगा पेपर पॉइंट सीधा सीधा क्वेश्चन ओके नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं बच्चे ओईसीडी रिपोर्ट ऑन जॉब्स सो ओईसीडी के बारे में लास्ट लास लेक्चर में बात कर चुके हैं ठीक तो है देख लेते हैं। इसमें बच्चे से कहा है कि ऑब्वियसली कोविड की वजह से काफी लोगों को जॉब लॉस का सामना करना पड़ा है और बाईस मिलियन जॉब जो है वो जा चुकी है यहां पर यह बताया गया है कि ओवर ट्वेंटी टू मिलियन जॉब्स और लॉस्ट ठीक है डेवलप्ड नेशन में ड्यू टू कोविड नाइन्टीन तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा सकता है कितने लोगों की जॉब के जाने के बारे में यहां पर बात की गई है सो दैट इज ट्वेंटी टू मिलियन पीपल ओके चलो अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं जॉब को लेकर ही बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जॉब को लेकर कौन सी होती है वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स याद रखेगा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021 क्वेश्चन पॉइंट उसे याद रखेगा ये रिपोर्ट किसने दी थी सो so, ये रिपोर्ट हमारे पास हर साल कौन पब्लिश करता है आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हाँ जी क्लियर आई के द्वारा हर साल एक रिपोर्ट आती है दैट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स ट्वेंटी सो इस रिपोर्ट में हमारे पास बताया गया था कि कितने लोगों के जॉब जाने का खतरा है क्या सीनेरियो रहेगा सिस्टम कितना गड़बड़ हुआ है कोविड की वजह से देखिए आईएलओ की बात करूं तो ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन की पहली स्पेशलाइज एजेंसी है नाम याद रखिएगाइज एजेंसी है इंटरनेशनल आई एल ओ नाम से संस्था है ठीक है so, इसकी रिपोर्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट व्यू से चलिए चलते हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं बच्चे हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होम बेस्ड होम लोन सिलेक्शन इंजन देखो यहां पर क्या होगा आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है वो चेक करेगा कि आपको होम लोन मिल सकता है नहीं किसने इसको डेवलप किया है एसी लोन इजी लोन टेक्नोलॉज सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड एक एंटिटी है इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम यहां पर लॉन्च किया होम लोन को लेकर अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे आपने याद रखने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हर जगह आजकल बात होती है ध्यान सुनिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेकर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है दट इजीपी ग्लोबल पार्टनरशिप ठीक है यहां पर फुल फॉर्म याद रखिएगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है फुल फॉर्म याद रखिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है कंट्रीज का ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 15 कंट्रीज ने मिलकर इस ग्रुप को डेवलप किया है इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर कंट्री ऑफ जी ठीक है फिफ्टीन कंट्रीज ने इसको मिलकर डेवलप किया है इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात हो तो बच्चे एक चीज और याद रखना कि यूएसए के साथ भी इंडिया ने टाइप किया है हमारे पास एक नया इनिशिएटिव अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था यूएस आई ए आई इनिशियेटिव इसमें क्या था कि इंडिया और यूएस मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव जिसमें कहा गया था इंडिया और यूएस मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम करेंगे और आपको एक और चीज बच्चे यहां पर क्लियर करना चाहूंगा मैं इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम एग्जाम्पल से कि हमारे पास जब भी हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो नीति आयोग भी काफी हद तक स्ट्रेस दे रहा है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए और इसको अलग अलग चीजों में यूज करें ठीक है तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि भारत में किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होम लोन सिलेक्शन इंजन बनाया है तो ये हमारे पास है इजी लोन इंस्टेंट मैच नाम से एक एप्लीकेशन है ठीक है होम लोन्स को लेकर और इसको बनाया किसने है याद रखिएगा इजी लोन टेक्नो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें आरबीआई अनाउंस चेंजेस इन जी सेक ऑप्शन मेथोडोलॉजी अब ये जी सेक क्या है दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब देखो बच्चे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जब भी बात होती है ध्यान से सुनना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है गवर्नमेंट को जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑप्शनिंग करती है नीलामी करती है समझने की कोशिश करना दो तरह की होती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कौन सी आती है पहले तो ये समझो शॉर्ट टर्म में वो सिक्योरिटीज आएंगी जो एक साल से कम की होती है नाइंटी वन डेज ठीक है डेज 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 एंड इनको ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं टी बिल्स भी बोलते हैं ठीक है याद रखिएगा ठीक है सो so ये शॉर्ट टर्म होती हैं लॉन्ग टर्म को हम बोलते हैं बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म में हमारे पास दो साल तीन साल पांच साल दस साल ठीक है इस तरह का सिस्टम चलता है अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये जी से गवर्नमेंट uh, सिक्योरिटीज होती हैं मान लो गवर्नमेंट को बड़े लेवल पर फंडिंग चाहिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट को इंटरनेशनल मार्केट से पैसा कैसे मिलेगा तो गवर्नमेंट क्या करती है बॉन्ड्स जारी करती है या हमारे पास सिक्योरिटीज जारी करती है आप कह सकते हैं इन बॉन्ड्स को जो भी लोग खरीदते हैं उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसा उनका रिटर्न कर दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि टेन्योर कितना रहेगा हमारे पास दो दो साल तीन साल पाँच साल ये आपकी इच्छा है कि आप इनमें से कौन सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदना चाहते हैं और इसके ऊपर जो रेट रहेगा वो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स रेट रहेगा ठीक है यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शनिंग रहेगी तो तीस साल और चालीस साल के भी हमारे पास होते हैं ठीक है अब आपने बस सिंपल सी जो चीज़ याद रखनी है है एग्जाम पॉइंट से कि हमारे पास फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स ठीक तो यूनिफॉर्म एक्शन यूज़ किया जाएगा बॉन्ड्स की ऑक्शनिंग के लिए शॉर्ट टर्म हमारे पास होता है लेस देन वन ईयर लॉन्ग टर्म होता है हमारे पास मोर देन वन ईयर ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के लिए हमारे पास हिल्टन एंग कमीशन ने एक बुक का काफी हद तक यूज किया था वो बुक कौन कौन सी थी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन इट्स सॉल्यूशन द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी इट्स ओरिजिन इट्स सॉल्यूशन बुक किसने लिखी थी इस बुक का रेफरेंस लेकर ही बच्चे इस बुक का रेफरेंस लेकर ही हमारे पास आर को बनाने के बारे में बात हुई थी द्वारा बुक लिखी थी बी आई so, को एस्टेब्लिश किया गया था और यह बुक किसने लिखी थी नन अदर देन बी आर अम्बेडकर तो जी ने ठीक है तो चीज याद रखिएगा हाँ जी क्लियर ओके नेक्स्ट आगे चलते हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ Indian क्रिकेटर मिताली राज मिताली राज इंडियन क्रिकेटर द लीडिंग स्कोर अब चुकी हैं अगर हम बात करें कोई इंडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ठीक है मिताली लेना जनरली क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है आपसे वो पूछते हैं कि प्लेयर कौन से स्पोर्ट का स्पेशली ओलंपिक्स के जितने भी मेडल विनर प्लेयर हैं उनके नाम और उनके स्पोर्ट्स को जरूर याद रख लेना वहां से क्वेश्चन बच्चे पूरा पूरा चांस रहेगा पूछे जाने का ठीक है वीरभद्र सिंह उनकी जाता था और हिमाचल के पूर्व सीएम रह चुके हैं ठीक है थीके? इनकी कॉन्स्टिच्युंसी हुआ करती सोलन डिस्ट्रिक्ट ओके तो छह बार ये हिमाचल के सीएम रहे सिक्स तो टाइम हिमाचल के सीएम रहे इनकी फाइनली डेथ हो गई इनको राजा जी के नाम से राजा साहिब के नाम से जाना जाता था ठीक है नोन करते हैं दो याद रखना कि 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है स्टेटहुड डे हिमाचल में 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है स्टेटहुड डे हिमाचल स्टेटहुड डे आप मुझे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है हाँ जी हिमाचल दिवस अलग डे पे होता है हाँ जी हिमाचल में हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है या हिमाचल डे कब मनाया जाता है ये तो हिमाचल स्टेट टू डे है पच्चीस जनवरी को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ हिमाचल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ओके शेंकी ने सबसे सब पहले आंसर दिया है फिफ्टीन ऑफ अप्रैल वेरी गुड तो फिफ्टीन ऑफ अप्रैल को बच्चे हम ऑब्जर्व करते हैं हिमाचल डे याद रखना के अगर क्वेश्चन आ रहे तो ऑफ अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं हिमाचल डे पच्चीस जनवरी को हिमाचल स्टेटहुड डे ठीक है तो हिमाचल से रिलेटेड दो डे हैं तो ये ध्यान से देख लेना अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन से डे के बारे में बात हो रही है नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं तो हैती के जो प्रेसिडेंट थे उनका असिनेशन हो गया है ठीक है हैती की बात करें एक छोटी सी कंट्री है हमारे पास और इसके अभी जो प्राइम मिनिस्टर है, का है, हैं वही हमारे पास एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी काम कर रहे हैं एरियल हैनरी ठीक है याद रख लेना है और इसकी कैपिटल है पोर्ट एयू प्रिंस हैती की कैपिटल क्या है पोर्ट एयू प्रिंस हैती की कैपिटल है और इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक्टिंग प्रेजिडेंट का भी काम कर रहे हैं एरियल हैनरी ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था इंटरेस्ट लेवल पर कि एक प्रेजिडेंट काशन हो गया तो बच्चे इंटरनेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक है हाँ जी इंटरनेशनल लेवल की न्यूज की जब मैं बात कर रहा हूँ हाँ जी आजकल एक बुक भी हमारे पास न्यूज में है काफी ज्यादा हाँ जी अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की न्यूज की बात करू बच्चे एक बुक हमारे पास आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है बुक का नाम है पैरिल कोई मुझे बताएगा ये पैरिल बुक न्यूज में क्यों है इंटरनेशनल लेवल की जब मैं बात कर रहा हूँ न्यूज की तो पैरिल बुक ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है पैरिल बुक कौन सी कंट्रीज के लीडर से रिलेटेड है पैरल बुक सुना किसी ने ओके ये बुक लिखी है बॉब वुडवार्ड ने और रॉबर्ट कोस्टा ने ठीक है ध्यान से सुनना बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं ये बुक बहुत सारा न्यूज में इंटरनेशनल लेवल पे किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं

ये इलेक्शन से जस्ट पहले की बात है उस समय डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे आप सोच के देखिए कि चाइना के लिए ये कितना एक एडवांटेज वाला स्टेप था कि उनको पता था कि वहां की जो आर्मी है यूएस की जो आर्मी है वो उनके साथ है डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पे वो कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगी अब यहाँ पर यूएसए के अंदर सिक्योरिटी का एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कल को ऐसे कोई और आर्मी का जनरल रशिया के साथ डील कर ले तो क्या होगा तो एक बुक आई है पेरिल के नाम से बुक याद रख लेना बच्चे ठीक है सो so, बुक के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी बुक इंपॉर्टेंट बुक है हमारे पास बुक के राइटर्स का नाम नोट डाउन कर लेना हां जी बॉब वुडवर्ड और रॉबर्ट कोस्टा मैं यहीं लिख देता हूँ तो ये बुक में कहा गया है कि पैरिल नाम की बुक है पैरिल ठीक है हाँ जी क्लियर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट और पैरिल का मतलब हिंदी में होता है जोखिम ठीक है पैरिल का हिंदी में मतलब होता है जोखिम तो जोखिम लेकर यहां पर बहुत बड़ा काम हुआ था ठीक है ओके okay, क्लियर है सबको चलो जी आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ ओके नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है बच्चे हमारे पास फर्स्ट डबल एस एम आई वट इज डबल एस एम आई दैट इज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जो भारत में बड़ी सोशल मीडिया इंटरमीडियट है उनको फॉलो करने होंगे आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एथिक्स कोड रूल्स ठीक है इंटरमीडियट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल ट्वेंटी ट्वेंटी इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी शिकायत मिलती है या कोई भी ऐसा हेट स्पीच है या कोई भी ऐसी चीज सोशल मीडिया पे है जिससे लोगों में दंगा बढ़ा सकता है या रोष फैल सकता है तो उसको हटाने की अब से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रहेगी ठीक है उसको हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रहेगी हाँ जी क्लियर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रहेगी जैसे राइट टू फॉरगेट किसी को पता है, right ये से है. Right क्या है? अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी राइट टू फॉरगेट को लेकर कुछ टाइम पहले राइट टू फॉरगेट क्या है बच्चे कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उससे रिलेटेड कोई फेमस पर्सनैलिटी है मान लो इंटरनेट पर कोई फेमस पर्सनैलिटी है उसके बारे में इंटरनेट पर जो भी लिखा हुआ है और जो भी उसके बारे में फोटोज डली हुई हैं अगर वो चाहे तो उन फोटोज को और उन वीडियोस को हटवा सकता है अगर वो चाहे तो उन फोटोज और वीडियोस को वो हटवा सकता है हां जी क्लियर तो ये चीज याद रखिएगा कि वो फोटोज और वीडियोस को हटवा सकता है और उसको हम क्या कहेंगे राइट टू फॉरगेट तो राइट टू फॉरगेट एक पावर दी गई है इंडियन सिटीजन को कि वो अपने बारे में जो भी कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है उसको हटवा सकते हैं ठीक है और अब से ये जो कंपनीज हैं इनको केवल बस स्ट्रिक्टली काम करना होगा जितनी भी भारत में सोशल मीडिया कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू गाइडलाइंस तो इस गाइडलाइन कौन सी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा ठीक है आगे चलते हैं बच्चे इंडियास फर्स्ट नेक्स्ट हमारे पास इंडिया कॉम्प्लेक्स uh, बस ये याद रख लेना ये कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स कहां बना है ये बना है हमारे पास बेलेरी कर्नाटक में बस इतना बहुत है इसमें कोई डिटेल में या इधर उधर को क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है ठीक है नेक्स्ट न्यूज बट जो है हमारे पास उसके ऊपर चलते हैं हमारे पास वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैसल ये भी हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज है इसमें भी कुछ समझाने वाला नहीं है कि सैंड कैसल बनाया गया है डेनमार्क में एक कैसल फेस्टिवल हुआ था ठीक है और उसमें एक टीम ने इस फेस्टिवल जीत लिया इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर आया तो ठीक है अगली न्यूज की तरफ चलते हैं ये न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आरबीआई डायरेक्टेड बैंक टू शिफ्ट फ्रॉम लिबर टू ए डबल आर हां जी ये न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनना पहले तो लिबर क्या है देखो लिबर की जब मैं बात करता हूँ लंडन इंटर बैंक ओफर रेट इसको बोलते हैं लिबर अब यहाँ पर इंडियन बैंकों को कहा गया है कि वो जनवरी यहां पर इस साल के एंड तक हमारे पास क्या करें इस साल तक हमारे पास लिबर का यूज करना बंद कर दे और ए डबल आर का यूज करना शुरू करें अल्टरनेट रेफरेंस रेट अभी क्या है और लिबर क्या है ये समझाने की कोशिश करता हूं दोनों को एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा देखिए लिबर क्या है मान लो अगर बैंकों को या बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज को मार्केट से पैसा उधारी पर उठाना है अब समझ के सो, सोच के चलिएगा रिलायंस इंडस्ट्री या किसी बड़ी कंपनी को हर बड़े लेवल पर

तो अभी आरबीआई ने इंडियन बैंक को डायरेक्ट किया है कि वो लिबर का यूज करना बंद कर इससे पहले, एक तो लिबर की फॉर्म याद रखिएगा इंडियन बैंक से तो इसकी फॉर्म क्या है यह आप नोट डाउन कर लीजिए एमआईआर की फुलफॉर्म आप नोट डाउन कर लीजिए दैट इज नोट डाउन कीजिएगा मुंबई इंटरबैंक मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड फोरवर्ड रेट इसको भी यूज करने से आरबीआई मना कर चुका है तो अब यूज करना है अपने अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स, तो कौन कौन से अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स हैं, जिनका बैंक्स लेंडिंग करने के लिए यूज करेंगे और खुद लोन लेने के लिए यूज करेंगे तो कौन से रेट्स हैं तो वो आपको मैं बता देता हूं जो आपने नोट डाउन करने हैं अब यहां पर भी बच्चे दो आपको आ, रेट्स में आपको बताऊंगा जो ए डबल आर की कैटेगरी में आते हैं अल्टरनेट रेफरेंस रेट की कैटेगरी में आते हैं तो एक तो है एसओ एफ आर और दूसरा है सोनिया जो दो रेट्स हैं पहला है एसओ एफ आर और सेकेंड वन है हमारे पास सोनिया इन दोनों के जरा नाम नोट डाउन कर लीजिए एसओ एफ आर की जब मैं बात करता हूं तो फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिएगा सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट्स फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिएगा सिक्योर्ड ओवरनाइट सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट्स सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट्स सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट्स एसओ एफ आर की फुलफॉर्म सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट और सोनिया की फुल फुल फॉर्म है स्टर्लिंग ओवरनाइट स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटर एवरेज रेट स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट तो ये दोनों बच्चे याद रख लीजिएगा कोई डाउट है तो इसमें मुझे पूछ लीजिए हाँ जी कोई फुल फॉर्म अगर रिपीट करनी है तो आप मुझे बता दीजिए मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चे एसओ एफ आर की फुलफॉर्म याद रखिएगा सोनिया की फुल फॉर्म याद रखिएगा ये लैंडिंग रेट्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज किए जाते हैं और बैंक्स जो हैं बड़े लेवल पर लोन चैनलाइज करने के लिए इन्हीं रेट्स का यूज करते हैं जी बच्चे क्लियर है तो बता दीजिए नहीं तो अगर कोई इसमें से कोई रिपीटेशन करनी है क्योंकि ये बैंकिंग पॉइंट से मैं बता रहा हूं तो बैंकिंग पॉइंट से रेट्स इंपॉर्टेंट है ओके नहीं कोई रिपीट करना चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड तो यहां पर यूनाइटेड किंगडम्स की तरफ से कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया जाता है तो इस बार किसको मिला है सैयद उस्मान हैजर

एक चीज और यहां पर आपको बोलना चाहूंगा बच्चे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी कॉमनवेल्थ की बात होती है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स अब कॉमनवेल्थ गेम्स कब होंगी हमारे पास अगर हम बात करें 2022 में होंगी कॉमनवेल्थ गेम्स सी डब्ल्यू जी इन शॉर्ट लिख देते हैं तो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहा होंगी बर्मिंगम में नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहा होंगी ये भी याद रखिएगा नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी बर्मिंगम में जी क्लियर ओके okay. नेक्स्ट हमारे पास बर्मिंगम कहा इंग्लैंड में ये भी याद रख लेना बर्मिंगम इंग्लैंड में ठीक है यूके में ही होंगी नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे 2010 में इंडिया में हुई थी अगर आपको थोड़ा सा याद हो ओके okay. चले हमारे पास आईसीसी सीईओ मनु सानी रिजाइन तो आईसीसी के जो सीईओ थे मनु सानी उन्होंने रिजाइन कर दिया आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के बारे में बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें याद रखना एक तो हेडक्वार्टर दुबई में है और चेयरमैन है ग्रेग बार्सले ठीक है आईसीसी के जो करंट चेयरमैन है एक तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है दुबई में क्रिकेट की रेगुलेटरी बॉडी है और चेयरमैन कौन है ग्रेग ठीक है सो मनु ने यहाँ पर रिजाइन किया था ठीक है अब्रेसिव कंडक्ट इनका कंडक्ट जो है इनका बिहेवियर जो था वो सही नहीं था तो उसके चलते इन्हें रिजाइन करना पड़ा हां जी क्लियर सो चेयरमैन का नाम याद रखिएगा और पेपर रखेगा सिंपल सिंपल पॉइंट्स चलिए आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ तो फ्रांस टेस्ट ओके सॉरी ऑफ एन एच एस आर सी एल अब ये एन एच एस आर सी एल क्या है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉपोरेशन लिमिटेड इसके नए एम डी कौन अपॉइंट हुए सतीश अग्निहोत्री अब बच्चे ये है क्या नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन दस आर सी एल ये है क्या भारत में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो कहां बुलेट ट्रेन कहां बनेगी मुंबई से अहमदाबाद क्वेश्चन सुन लीजिए पहली भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से बने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहां होगा मुंबई से अहमदाबाद तक मुंबई से अहमदाबाद तक ट्रेन प्रोजेक्ट होगा मुंबई से अहमदाबाद तक और एक बात और याद रखिएगा बच्चे इसके लिए लोन कहां से मिल रहा है कौन सी कंट्री फाइनेंस कर रही है जापान जापान प्रोवाइड करेगा इसके लिए सॉफ्ट लोन सॉफ्ट लोन क्या होता है डेफिनेशन याद रखिएगा लोन एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉफ्ट लोन लोन एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज नोन टू बी सॉफ्ट लोन हां जी क्लियर हाँ जी चले बच्चे आगे नेक्स्ट हमारे पास <coughs> नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास बच्चे फ्रांस आर्म फोर्स यूज हेलमेपी हेलमैप ठीक है सो so ये हेलमैप क्या एनर्जी लेजर फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन पावर बेसिकली एक ऐसी लेजर डेवलप की है जो कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम है आज के डेट में पता होगा आपको ड्रोन जो हैं, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गए हैं किसी भी कंट्री के लिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास इंद्रजाल नाम से एक एंटी ड्रोन मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास एस्टैब्लिश किया गया अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर का तो हमारे पास यहाँ पर आप देखिएगा कि फ्रांस जो है वो बहुत तेजी से अपने डिफेंस सिस्टम को और आगे बढ़ा रहा है और यहां पर आप देखिए सिस्टम ट्रैक करना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना आपको एक और चीज याद रखनी है कि फ्रांस ने अपनी एयरफोर्स का नाम बदलकर रखा था एयर एंड स्पेस फोर्स फ्रांस ने अपनी एयरफोर्स का नाम बदलकर रखा था एयर एंड स्पेस फोर्स

दैट इज़ फ्रांस हाँ जी क्लियर आगे सुनिएगा बच्चे ध्यान से हाँ जी आगे ध्यान से सुनिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक हम्म हाँ जी कि फ्रांस से ही हमने फ्रांस की कंपनी है डसो एविएशन जिसे हमने परचेज किया है रफेल फाइटर प्लेन और याद रखना दो जगह डिप्लॉय किया गया है पर किया गया है एक तो हमारे पास अंबाला में और एक हाशीमारा में अंबाला कहां हरियाणा और हाशीमारा कहां वेस्ट बंगाल तो याद रखिएगा कि जो राफेल फाइटर प्लेन है वो हमने डसो एविएशन से खरीदा जो कि फ्रांस की कंपनी है थर्टी सिक्स रफेल टोटल हमने खरीदे हैं ठीक है ठीके? चलो जी आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे in हमार in तो ने वर्चुअली बेसिकली यहाँ पर टारगेट क्या रखा गया है कि दो हजार बीस इक्कीस में हमारे पास जो टारगेट था इन्होंने उसको अचीव कर लिया है सरपास जो टारगेट था उसको सरपास कर लिया है और टारगेट था और थर्टीन थाउजेंड किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे और एवरेज थर्टी सेवन किलोमीटर ये जो कंस्ट्रक्शन है वो ही है ठीक थर्टी सेवन किलोमीटर पर डे के हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुई है और देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी एनआईपी क्यों बनाया गया था गवर्नमेंट ने कहा था हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे पैसा खर्च करेंगे क्यों खर्च करेंगे दो में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाने की बात की गई और कहा गया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सो लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा सो लाख करोड़ रुपया आने वाले पांच सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिससे इंडिया को इंडिया को $5 की जाएगा। $5 की बात ही नहीं करती क्यों गवर्नमेंट को पता है कि हमारे पास तीन से चार ट्रिलियन भी पहुंचना तीन ट्रिलियन भी इकॉनमी का पहुंचना दो तक साढ़े तीन ट्रिलियन भी पहुंचना बहुत मुश्किल रहेगा ठीक है।, है तीन साढ़े तीन चार ट्रिलियन पहुंचना भी बहुत मुश्किल रहेगा पांच ट्रिलियन तो बहुत दूर की बात है तो बेसिकली हमने एक टारगेट रखा था हमारी गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा था कि इंडियन इकॉमी को पाँच ट्रिलियन डॉलर की इकॉमी बनाना है लेकिन वो टारगेट जो है अब सब बर्बाद होता दिखाई दे रहा है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी वैसे भी स्ट्रगल कर रही है और कोविड नाइन्टीन ने जो परेशानियां थी जो दिक्कतें थी उनको और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है हाँ जी बच्चे क्लियर तो जो परेशानियां दिक्कत थी वो भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम अब काफ़ी गड़बड़ हो चुका है चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास विद्या बालन फायरिंग रेंज तो इंडियन आर्मी ने क्या किया है यहां पर विद्या बालन के नाम पर एक मिलिट्री फायरिंग रेंज बनाई है गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में ये नई फायरिंग रेंज जो है वो बनाई गई है अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की तो अभी ये जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिट्री है यूनियन टेरिट्री के रूप में एक्सिस्टेंस में कब आया था जम्मू कश्मीर थर्टी ऑफ अक्टूबर टू 31st ऑफ अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर बना हमारे पास यूनियन टेरिटरी और 31st ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे ठीक है राष्ट्रीय एकता दिवस ओके सो so, और यहां पर अभी लेफ्टनेंट गवर्नर कौन है लेफ्टनेंट गवर्नर की बात करूं तो मनोज सिन्हा लेफ्टनेंट गवर्नर की बात करूं तो मनोज सिन्हा सो so, भारत में अब कुल तीन यूनियन टेरेटरीज ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेचर है भारत में कुल तीन यूनियन टेरेटरीज ऐसी डेट हैं जहां पर लेजिस्लेचर है वो तीन यूनियन टेरेटरीज कौन कौन सी है जहां पर लेजिस्लेचर है बच्चे एक तो है हमारे पास दिल्ली एक पुडुचेरी और दूसरा तीसरा हमारे पास जम्मू कश्मीर दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट भी है ठीक है लेजिस्लेचर तो आई है लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट भी हमारे पास देखने को मिल रही है चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास मेरी पार्टनरशिप विद इटालियन नेवी अभी न्यूज़ क्या ही है हमारे पास कि पार्टनरशिप की गई है इटालियन नेवी के साथ ओके मेरी पार्टनरशिप विद द इटालियन नेवी तो इंडिया ने इटालियन नेवी के साथ पार्टनरशिप की इसमें सिंपल साइज पढ़ लेना एक बार और एक एक्सरसाइज कंडक्ट की ठीक है ये कहाँ पर थ्रीनियन सी में तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रेनियन सी में किस कंट्री के साथ इंडियन एक्सरसाइज कंडक्ट की नेबल एक्सरसाइज इंडियन नेवी की बात करें सो इंडियन नेवी बहुत बड़े लेवल पर इंडिया की सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है क्योंकि जो हमारी कोस्ट लाइन है वो एक अच्छी खासी लंबी कोस्ट लाइन है फोर्थ ऑफ दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन नेवी डे ठीक है फोर्थ ऑफ दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन नेवी डे और आपको पेपर पॉइंट बच्चे ये भी याद रखना पड़ेगा कि इंडियन नेवी जो है उसको लीड कौन कर रहे हैं तो एडमिरल करमबीर सिंह ठीक है नाम याद रखेगा इंडियन नेवी को राइट नाउ कौन लीड कर रहे हैं इंडियन नेवी के एडमिरल कौन है वो इज द करंट एडमिरल ऑफ द नेवल स्टाफ करमबीर सिंह ओके सो ये चीज याद रखिएगा और फोर्थ ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं इंडियन नेवी डे इटली की बात करूं इटली की बात करूं तो इटली के बारे में याद रखना कि इटली अभी इस साल होस्ट कर रहा है जी ट्वेंटी समिट ठीक है 2021 का जी ट्वेंटी समिट का होस्टिंग कंट्री कौन है इटली ठीक है इटली होस्ट कर रहा है इस बार का 2021 का जी ट्वेंटी समिट जो बहुत इंपॉर्टेंट समिट कंसिडर किया जाता है ओके, नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई ईयर एट हायर कट ऑफ तो फिर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो रही है लेकिन यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है गवर्नमेंट की, की तरफ से आरबीआई की तरफ से सो so, आर जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है ये याद रखना कि आर जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये सी जो सिक्योरिटीज हैं वो इशू करता है और फिर उनको आगे चलकर गवर्नमेंट एक तरह से अपने जो सिस्टम को फाइनेंस करने के लिए उसको यूटिलाइज करती है तो यहां पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है ठीक है देखो जब हमारे पास अगर हम कंपेयर करें यूएसए जैसी कंट्रीज से तो यूएसए जैसी कंट्रीज के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ज्यादा सिक्योर माना जाता है मान लो टेक द एग्जाम्पल इंडिया जैसी कंट्री जब बॉन्ड इशू करती है हमारे देश जब बॉन्ड इशू करता है तो उसको ज्यादा सिक्योर नहीं माना जाता अब ये कौन सी कंट्री के बॉन्ड सिक्योर है कौन से नहीं ये कैसे पर चलते हैं ये हमारे पास रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे अगर हम बात करें फिच है मूडीज है एस एंड पी है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैंडर्ड एंड पोर ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज है फिच मूडी स्टैंडर्ड पोअर ये जब आपकी कंट्री को अच्छी रेटिंग देती है रेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा इन्वेस्ट किया गया तो आपसे पैसा वापस आने की अच्छी खासी उम्मीद है अगर रेटिंग अच्छी है आपकी तो आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी अपने बॉन्ड्स बेचेंगे तो बिक जाएंगे क्योंकि लोगों को आपके बॉन्ड्स पे भरोसा होगा लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज को जो हमारे जैसी कंट्रीज है जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है तो उन्हें क्या करना पड़ता है उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है ताकि एटलीस्ट लोग या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बॉन्ड्स को खरीद लें तो हमें मजबूर होकर यहाँ हायर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट देना पड़ता है तो यह भी याद रखना बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मूडीज फिच एस एंड पी है क्या सो बेसिकली मूडीज फिच एंड एस एंड पी हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं। दीज़ आर द रेटिंग एजेंसीज़ ठीक है एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट दीज आर द रेटिंग एजेंसी चलिए जी आगे चलते हैं हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री स्क्रैप आउट द एल चेयरमैन पोस्ट तो जो एल की चेयरमैन की पोस्ट है वो हमारे पास ऑफ कर दी गई है देखिए एल की जब मैं बात करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ा बड़े लेवल पर इंश्योरेंस कंपनी ठीक है आ, जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कंडक्ट करती है और बहुत सारे बैंकों में मेजोरिटी शेयर होल्डर भी है ठीक है यू टॉक अबाउट तो ये शेयर होल्डर भी है काफी सारे बैंकों में तो फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर नाइनटीन को सिक्स सितंबर 1956 को एक तरह से एल को एस्टेब्लिश किया गया था

initial public offering और जब मैं LIC की बात करता हूं IPO की बात करता हूं तो जब पहली बार शेयर बेचा जाता है दैट इज नोन टू बी IPO तो LIC के 10% शेयर गवर्नमेंट ने बेचने का टारगेट रखा है कि हम LIC के 10% शेयर बेच देंगे और यकीन मानिएगा जब LIC का IPO होगा तो इसकी एप्रोक्सीमेट वैल्यू जो बताई जा रही है वो होगी लगभग 400 बिलियन यूएस डॉलर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि कुछ इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग या मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एल की जो मार्केट वैल्यू बनती है जब इसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड लिस्टेड हो जाएंगे तो इसकी जो मार्केट वैल्यू बनती है दैट इज ऑलमोस्ट 400 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी राइट नाउ है रिलायंस इंडस्ट्रीज उसकी मार्केट वैल्यू है वन 150, तो उससे भी आप समझ लो कि दो गुना ज्यादा तो ये भारत की आने वाले टाइम में सबसे बड़ी कंपनी एक तरह से कंसिडर की जाएगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू उम्मीद ये की जा रही है हाँ जी क्लियर सो so, ये बेसिक बेसिक चीजें आप याद रखिएगा ठीक है और इंश्योरेंस सेक्टर को भारत में कंट्रोल कौन करता है इंश्योरेंस सेक्टर कंट्रोल इन इंडिया बाय बाई हाँ जी इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया कंट्रोल सेक्शन में बच्चे कमेंट करके बता दो कि इराडाई को किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश किया गया था एस्टेब्लिश सॉरी एस्टेब्लिश इन विच ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इरडाई एस्टेब्लिश सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ईयर में ईरडाई एस्टेब्लिश हुई थी हां जी अंडर द बच्चे इरेडा एक्ट नाइनटीन नाइनटी नाइन अंडर द इराडा एक्ट नाइनटी नाइनटी नाइन उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है तो इरिडा एक्ट नाइनटीन के तहत हमारे पास इसको दो में एस्टेब्लिश किया गया था दो कमेटी रिपोर्ट मल्होत्रा कमेटी अब डिफिकल्टन आपको खुद ही बता रहा हूं कि मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी ठीक है मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एक्ट पास हुआ इरिडा एक्ट ठीक है तो मल्होत्रा कमेटी की अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट किया गया इन दर टू ठीक है हाँ जी बच्चों ये बात बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई हाँ जी बच्चा ये बात बताओ सबको क्लियर है ओके okay. चलो जी क्लियर है सबको गुड नेक्स्ट हमारे पास क्रूड uh, ऑयल से रिलेटेड न्यूज है लेकिन ये आउटडेट हो चुकी है इसमें कहा गया कि यूएस बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर लेकिन अब तो यूएस और आगे आ चुका है तो ये पुरानी न्यूज है मैंने लेटेस्ट न्यूज आपको ऑलरेडी करा दी थी कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर इराक है और सेकंड नंबर पे साउद सऊदी को रिप्लेस करके अब यूएस आ चुका है ठीक है सऊदी तो इवन चौथे नंबर पे जा चुका है तो ये आपको न्यूज में ऑलरेडी करा चुका हूँ तो न्यूज नंबर फोर्थ आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आउटडेटेड न्यूज हो चुकी है अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट डिजिटल डिजिटल केंद्र केंद्र यहां पर एक बनाया गया है ठीक है इन कृषि बाजार कृषि बाजार का मतलब एपीएमसी मार्केट एपीएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में मंडी बोल देते हैं एपीएमसी की फुल फॉर्म याद रखना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एम की फुल फॉर्म होती है आप यहाँ पर बच्चे ध्यान सुनिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँ की यहाँ पर एम एस एम की डेवलपमेंट के लिए एमएसएमई की डेफिनेशन में पिछले लेक्चर में आपको लिखवा चुका हूँ एक तो वो डेफिनेशन याद रखना ठीक है एमएसएमई की यहाँ पर ओवरऑल अपलिफ्टमेंट के लिए उनको डिजिटलाइज करने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम चलाया गया डिजिटल केंद्र बनाया गया है कहाँ पर सूरत गुजरात में क्वेश्चन याद कहां पर ये बनाया गया है सूरत गुजरात में और इसमें एक चीज और याद रखिएगा इससे पहले हमारे पास अमेजन जो है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है उसने टेन बिलियन यूएस डॉलर देने का वादा किया है कि ताकि हमारे पास एमएसएमई की हेल्प हो सके और उनको एक्सपोर्ट में हेल्प की जा सके तो इसने टेन बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा भी यहां पर किया है ओके okay. आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें सो so, जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं उनको लोन देने के लिए प्रधानमंत्री की सबसे मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम कौन सी चल रही है हाँ जी चलो मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं तुमसे शिशु तरुण किशोर शिशु तरुण किशोर हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट स्कीम का हिस्सा है एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं शिशु तरुण एंड किशोर ये क्वेश्चन आया हुआ है शिशु तरुण किशोर गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम का हिस्सा है वेरी गुड मनदीप कौर ने सबसे पहले आंसर दे दिया मुद्रा स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है मुद्रा योजना मुद्रा की फुल फॉर्म याद रखना पहले तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी इस स्कीम के तहत बच्चे तीन तरह के लोन दिए जाते हैं शिजु तरुण और किशोर याद रखना मुद्रा स्कीम के तहत तीन तरह के लोन दिए जाते हैं शिजु तरुण एंड किशोर <coughs> बेसिकली एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ठीक है शिशु तरुण एंड किशोर और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है मैक्सिमम लोन मिल सकता है बच्चे दस लाख का नोट डाउन कर लेना मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है मैक्सिमम लोन ऑफ रुपीज टेन लाख अंडर मुद्रा स्कीम अंडर मुद्रा योजना चलो जाके चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बुक आई है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी अब ग्रेट गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर है? है? हाँ जी हाँ जी क्लियर तो यहां पर याद रखिएगा बलजीत कौर तुलसी जी के द्वारा लिखी गई थी ये बुक दारायण श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो सीधा सीधा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं ऐसी बुक्स को लेकर अगर हम बात करें सिक्किजम से रिलेटेड तो आपने ये भी याद रखना है कि इस साल 2021 में हमने ऑब्जर्व किया 400 प्रकाश पर्व पर गुरु तेग बहादुर जी ठीक है गुरु तेग बहादुर जी का हमारे पास आप कह सकते हैं फोर हंड्रेड बर्थडे था ठीक है so, सो प्रकाश पुरो 400 प्रकाश पुरो गुरु तेग बहादुर जी इसको लेकर थ्रू आउट द कंट्री बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन भी की गई तो यह चीज भी याद रखिएगा और जो बुक का क्वेश्चन है वो भी याद रखिएगा कि रामायण गुरु गोविंद सिंह जी प्लांट सो एल एन जी, जी सीधा -सीधा so क्या होता है तो हमें यह समझना पड़ेगा एल एनजी हेयर मीन्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस एल एन जी हेयर मीन लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी प्लांट नागपुर महाराष्ट्र ठीक है तो ये हमारे पास पहला ऐसा एल प्लांट लगाया गया है और यहाँ पर फ्लेक्सीबल फ्यूल व्हीकल्स की बात हो रही है ये याद रख लेना एफ एफ सी की क्या है फ्लेक्सीबल फ्यूल व्हीकल्स सो तो इसका जो ऐसे जो इंजन होते हैं जो फ्लेक्सीबल फ्यूल व्हीकल्स के इंजन होते हैं वो हमारे पास एक से ज्यादा फ्यूल्स और फ्यूल्स के मिक्सर पर काम कर सकते हैं हाइब्रिड हाइब्रिड गाड़िया भी इनको हम बोलते हैं तो आप अब देखिएगा कि पहली बार भारत में कोई एलएनजी फैसिलिटी लगी है और ये एलएनजी फैसिलिटी कहाँ लगी है नागपुर में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास जो स्कीम चल रही है वो कौन सी है फेम स्कीम ठीक है याद रखेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम चल रही है फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फुल फॉर्म याद रखेगा फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपसे कम टैक्स लिया जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हो तो लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो रिक्वायर्ड है हाँ जी लिथियम क्योंकि लिथियम आयन बैटरी बनती है तो आपने एक और चीज याद रखनी है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां लगेगी गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां लगने जा रही है गुजरात यहां पर रिफाइनरी लगने से हमें लिथियम प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा इस लिथियम का यूज किया जाएगा लिथियम आयन बैटरीज बनाने में और इन लिथियम आयन बैटरीज का हमारे पास यूज करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाया जाएगा हाँ जी बच्चे ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई चलो जी आगे चलते हैं हमारे पास आईसीआर सेटअप बंगबंधु चेयर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी अब देखो ध्यान सुनना बंगा बंधु चेयर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी ठीक है अभी बंगा बंधु कौन एक्चुअली हमारे पास जो शेख मुजीबुर रहमान है बांग्लादेश के उनको बंगा बंधु के नाम से जाना जाता है ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है अभी इनकी हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी थी ठीक है तो यहां पर आपको मैं एक और चीज बता दू एक तो यहां पर चेयर एस्टेब्लिश की गई है बंगा बंधु के नाम से कहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में और आपको यहां पर यह भी बताना पता होना चाहिए कि 2020 का हां जी जो गांधी पीस प्राइज है वो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है पोस्त मछली पोस्त मछली मतलब मरणोपरांत ये भी अपने याद रखना है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है गांधी पीस प्राइज हर साल तो यहां पर गांधी पीस प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी किसको दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को ठीक है और दो हजार को डिक्लेयर किया है इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने मिलकर मुजीबियर हाँ जी क्लियर मुजीब किया है इन्होंने 2020 और 21 को बंगा बंधु हाँ जी सो बांग्लादेश को अगर मैं बात करूं आजादी कब मिली थी बांग्लादेश कोट लिबरेशन ऑन विच डे बताओ जरा बांग्लादेश लिबरेशन डे कब होता है कब होता है जी बांग्लादेश लिबरेशन डे छब्बीस मार्च उन्नीस सौ इकहत्तर बांग्लादेश लिबरेशन डे कब होता है बांग्लादेश को आजादी ऑफिशियली कब मिली छब्बीस मार्च उन्नीस सौ इकहत्तर ठीक है सो दैट इज ऑब्जर्व एज बांग्लादेश लिबरेशन डे

यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन अपने आप में ट्वेंटी सेवन कंट्रीज का ग्रुप है इसमें ट्वेंटी सेवन कंट्रीज आते हैं तो इस तरह से आप देख लीजिए कि जी ट्वेंटी में हमारे पास अगर हम बात करें बीस से ज्यादा कंट्रीज हो गए तो इस साल का जो होस्टिंग कंट्री है इस साल का होस्टिंग कंट्री है इटली अब एग्जाम पॉइंट से आप याद रखिएगा दो का 2022 होस्टिंग कंट्री कौन है जी ट्वेंटी के समिट को होस्ट कौन करेगा दो में इंडोनेशिया और उससे भी इंपॉर्टेंट है बच्चे कि इंडिया जो है 2023 में जी ट्वेंटी की मीटिंग्स को होस्ट करेगा इंडिया पहले इंडिया ने 2022 में ये मीटिंग्स रखने का फैसला किया था लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया है तो 2023 की जो जी ट्वेंटी के सबमिट्स होंगे जी ट्वेंटी की जितनी मीटिंग्स होंगी वो सब इंडिया होस्ट करेगा ठीक है दो की बात कर रहा हूं मैं दो में इंडोनेशिया और तेईस में इंडिया हाँ जी बताइए ये बात बताओ मुझे समझ आई या नहीं आई इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या रहता है जो मीटिंग्स होती हैं ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे कंट्रीज को ग्रोथ के पाथ पर और डेवलपमेंट के बात पर आगे बढ़ाया जाए और उन कंट्रीज की प्रॉपरली हेल्प की जाए हां जी बच्चे यहां तक बता दो कोई डाउट किसी को चलो नेक्स्ट हमारे पास आई एम रिलेटेड न्यूज है आई एम ओ फ्रूट सिक्स फिफ्टी बिलियन एज एस डी आर एलोकेशन तो अगर हम बात करें स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात हो रही है सिक्स फिफ्टी बिलियन डॉलर्स जो है वो दिए जाएंगे हाँ जी ध्यान से बच्चे सुनिएगा सिक्स फिफ्टी बिलियन डॉलर्स की हमारे पास एलोकेशन की जा रही है ओके आईएमएफ सपोर्ट करेगा इकोनॉमिकली जो वनरेबल मेंबर कंट्रीज हैं आईएमएफ की जब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तो इसका काम क्या होता है इकोनॉमीज को स्टेबलाइज रखना तो इसके स्पेशल ड्राइंग राइट्स राइट्स होते होते हैं, होते हैं, जिसमें हमारे पास कितनी करंसीज आती है पहले तो आपको ये याद रखना है इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स में पांच करंसीज आती है मेरे पास पहले तो आपको ये याद रखना है स्पेशल ड्राइंग राइट्स में आई एम एफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कितनी करंसीज आती हैं पांच करंसीज दैट इज यूएस डॉलर यूएस डॉलर येन, यूरो, पाउंड, ठीक है पाउंड कौन से जो ब्रिटिश पाउंड है जिसको पाउंड स्टर्लिंग बोलते हैं पाउंड स्टर्लिंग ठीक है Sterling, और लास्ट में हमारे पास युआन चाइनीस करेंसी जिसको रेनबिम्बी भी बोलते हैं तो आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स में पांच करेंसीज आती हैं। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे ठीक है देर आर फाइव करेंसीज, ठीक है और यहां पर ये जो मेंबर कंट्रीज हैं, देखो रिलैक्स माइंड अभी उन्होंने कहा तो है देखो लेकिन कंफर्म तो तभी होगा जब हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट ऑफिशियल डिक्लेरेशन करेगी जब तक तो पंजाब गवर्नमेंट ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं करेगी तब तक नहीं मैं कुछ कह सकता बच्चे ठीक है अपनी तरफ से नहीं मैं कुछ कहूंगा ना जब तक तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर डेक्लेन नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कहूंगा ओके okay. ध्यान सुनिएगा बच्चों जो जो मैं कह रहा हूं आप आप ध्यान सुनिएगा फोकस करते हैं हमारे पास आईएमएफ आईएमएफ क्या करता है है पहले तो आप ये समझो इकोनॉमीज उनको काफी हद तक स्टेबलाइज करने के लिए काम करता है आईएमएफ की बात करूं <coughs> तो आईएमएफ हमारे पास वाशिंगटन डीसी से ही ऑपरेट करता है यूएस वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी करंट चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है गीता गोपीनाथ इंडियन से और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज कितने पर आप याद रखिएगा यूएन जो है उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको कंसिडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन को इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही कंसिडर किया जाता है तो वो चीज आप याद रखिएगा आगे बच्चे अगर मैं बात करूं यहां पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिएगा आईएमएफ ने यहां पर जो ये सब किया है वो सब क्यों किया है ताकि जो इकोनॉमीज है वो स्ट्रगल ना करें ठीक है जो कोविड नाइनटीन के चलते उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक बहुत एस्टैबिश्रेट कॉन्फ्रेंस इसीलिए इनको कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्वेंस ये क्वेश्चन याद रखिएगा <coughs> ब्रेटन वुड ट्वेंस हम किनको बोलते हैं आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक ये दोनों का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा दोनों कब बने थे आफ्टर द बेटन वुड कॉन्फ्रेंस दोनों ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो आफ्टर द बेटनवुड कॉन्फ्रेंस हुई थी ठीक है नहीं रेखा चक्रवर्ती मैं रेखा चौधरी सॉरी रेखा चौधरी बच्चे ये इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ की वो वर्ल्ड हमारे पास वर्ल्ड बैंक नहीं यूनाइटेड नेशन है वर्ल्ड बैंक आप कह सकते हो एक तरह से ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है ट्विन का मतलब जो इसके साथ ही काम करती पेरेंट थोड़ी ना पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो IMF की है वो हमारे पास यूनाइटेड नेशन ही है गलत मत करना ठीक है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आई की यूनाइटेड नेशन है और इसकी जो ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक है सो so, दोनों में डिफरेंस है वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा चलो आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं एक्सिम बैंक एक्जिम बैंक ने हमारे पास एक बहुत बड़ी लैंडिंग की है सेनेगल को सेनेगल एक छोटी सी कंट्री है अफ्रीका में ठीक है और लैंडिंग की है उसने ट्रांसमिशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए तो एक्जिम बैंक बेसिकली एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग भी दे देता है अब एग्जाम पॉइंट से आपने याद रखना है कि एक्जिम बैंक के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं हर्षा बांगरी ठीक है एक्जिम बैंक के नए चेयरमैन अपॉइंट हो चुके हैं पहले तो ये याद रख लेना क्वेश्चन आने के पूरी पूरी चांसेस रहेंगे बांगरी बिकेम न्यू चेयरमैन ऑफ एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसका बेसिकली काम होता है एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट कराना ठीक है भारत का निर्यात तो इन, इन, बस इतना भी याद रख लो दैट इज मोर देन सफिशियंट सैनिकल की जो कैपिटल है वो है डाकर हाँ जी क्लियर चलो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज इथियोपिया पीएम आबी अहमद अहमदीज वन द इलेक्शन तो इथियोपिया में हमारे पास आबी अहमद की पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत गई आबी अहमद क्यों फेमस है क्योंकि 2019 में बच्चे इनको नोबल पीस प्राइज मिला था ठीक है और ये इथियोपिया के करंट हेड है तो पेपर में इनको लेकर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी रहेगी अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से सुनना ठीक है हाँ जी अगर मैं बात करूं नोबल प्राइज की ठीक है तो नोबल प्राइज इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2020 का नोबल पीस प्राइज नोबल पीस प्राइज किसको मिला था तो अगर मैं नोबल पीस प्राइज की बात करूं तो ये मिला था हमारे पास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इसका हेडक्वार्टर याद रखना बच्चे इसका हेडक्वार्टर मिलेगा रोम इटली में जितने भी हमारे पास फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है या फिर हमारे पास हाँ देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया या हमारे पास जो भी फूड से इंपॉर्टेंट उन सब का आपको सेवा देखना मिलेगा रोम इटली में ठीक है है तो जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसका हेडक्वार्टर भी रोम इटली में और डब्ल्यू एफ पी का हेडक्वार्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी कहां है रोम इटली में इनके काम को बहुत ही सराहा गया इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया बच्चे ड्यूरिंग द कोविड नाइनटीन पैंडमिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने और जितने भी हमारे पास लोग थे उनको फूड प्रोवाइड करने की जो वनरेबल कंट्रीज है वहां पर पूरी पूरी कोशिश की इन्होंने हाँ जी क्लियर बच्चे चलो आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है वन न्यूज ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं इसके बारे में सो नेक्स्ट न्यूज हमारे पास स्पेस ट्रेवल से रिलेटेड है तो वर्जिन गैलेक्टिक एक हमारे पास वर्जिन गैलेक्टिक ने यूनिटी ट्वेंटी ह्यूमन स्पेस मिशन अभी कंडक्ट किया सो वर्जिन गैलेक्टिक एक कंपनी जिसको एस्टैब्लिश करने वाले पर्सन कौन है रिचर्ड रिचर्डन फाउंडर ऑफ द वर्जिन गैलेक्टिक इसमें हमारे पास चार पैसेंजर्स जो थे वो स्पेस में गए थे जिसमें खुद एक तो रिचर्ड रिचर्डन थे और इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इंडियन ओरिजिन की शर्षी बांदला श्रीषी बांदला भी इस मिशन का हिस्सा थी अब आपको जो बच्चे याद रखना है तीन कंपनीज हैं जिन्होंने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेस में अपनी एंट्री दर्ज की है एक तो है वर्जिन गैलेक्टिक दूसरा है ब्लू ओरिजन ब्लू ओरिजन जेफ बेजोस की कंपनी है जिसने एक मिशन एग्जीक्यूट किया था किसके नाम से न्यू शेफर्ड के नाम से इनके मिशन का नाम क्या था न्यू शेफर्ड और अभी रिसेंटली हमारे पास इंस्पिरेशन फोर के नाम से स्पेस एक्स अलग से एक, आ, एलन मस्क की कंपनी जिन्होंने इंस्पिरेशन फोर के नाम से अभी मिशन कंडक्ट करने, करने जा रहे हैं ठीक है थीके? इंस्पिरेशन फोर तो ये कुछ मिशन है बच्चे जो एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है आपको एज इट इज याद रखने ठीक है न्यू शेफर्ड न्यू शेफर्ड और हमारे पास इंस्पिरेशन फोर न्यू शेफर्ड और इंस्पिरेशन फोर हेलो पवन जी अब आए हो आप लेट हैं चलो आगे चलते हैं हमारे विंबलडन चैंपियनशिप आज की लास्ट न्यूज देख लेते हैं हमारे पास आज के लिए लास्ट न्यूज ठीक है विंबलडन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है ग्रैंड स्लैम टाइटल किया जाता है चार ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं यूएस ओपन ओपन विंबलडन विंबलडन फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन तो हमारे पास ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे खेले जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट में से एक कंसिडर किया जाता है तो इस बार किसके विनर्स कौन रहे हैं मैन सिंगल्स में नोवाक जोकोविक एंड ईज फ्रॉम सर्बिया और वुमेन सिंगल्स में एशले बार्टी शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सो इन दोनों के नाम याद रख लेना पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ऐसी चीजों को लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बिना किसी हमारे पास डाउट के ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे पेपर में कोई ना कोई ग्रैंड स्लैम का टाइटल ग्रैंड uh, स्लैम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा हां जी बच्चों क्लियर हुआ है या नहीं हुआ आज के लिए इतना ही कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए हाँ जी किसी को कोई डाउट चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स रनर तो बच्चे रेखा बहुत कम पूछने के चांसेस रहते हैं बट एक बार देख लेना ठीक है वैसे तो कम ही चांस रहते है कि हैं कि रनर अप पूछे मुश्किल ही होता है